हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारत का ये रोमियो उड़ाएगा दुश्मनों के होश। जी हाँ दोस्तों, भारतीय नौसेना में जल्द शामिल होगा कई खूबियों वाला ये बड़ा हेलीकॉप्टर। बताएंगे दोस्तों बड़ी खबर आ रही है ये। उस अगली खबर में बताएंगे जहाँ डोनाल्ड ट्रंप की राह पर चल बैठे बेंजामिन नेतन्याहू। जनता ने नकारा तो इलेक्शन फ्रॉड का लगा दिया बड़ा आरोप, बड़ी खबर। उससे आगे बताएंगे जहाँ जिनपिंग देंगे पैसा और इमरान खान देंगे जगह, और अब छवि चमकाने के लिए चाइना और पाकिस्तान मिलकर करने जा रहे हैं ये बड़ा काम। जी हाँ दोस्तों, क्या खोलने वाला है चाइना और पाकिस्तान मिलकर, बताएंगे दोस्तों, जानकारी देंगे इसकी भी आपको। साथ ही अगली खबर में बताएंगे जहाँ पर ना हिंदी ना हिंदू ना हिंदुस्तान बनकर रहेगा खालिस्तान। किसने ये बड़ी बात कह दी है दोस्तों, भड़काने वाली, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही सऊदी अरब ने पाकिस्तान की बढ़ा दी है टेंशन। जी हाँ दोस्तों, किस मुद्दे को लेकर ये भी बताएंगे। साथ ही बताएंगे जहाँ अमेरिका में उठ गई है भारत को मदद पहुंचाने की मांग। जी हाँ दोस्तों, किसने उठाई ये मांग, इसकी भी बताएंगे जानकारी आपको। साथ ही बताएंगे जहाँ पर नेपाल से बड़ी खबरें हैं दोस्तों, ओली ने कह दी है भारत को लेकर ये बड़ी बात। कुछ समय पहले भारत को ही बुरा बताने वाला केपी शर्मा ओली आज भारत को सबसे अच्छा बताते हुए मदद की गुहार लगा रहा है। दोस्तों किस मुद्दे पर है ये बात, बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहाँ पर अब भारत के लिए विश्व बैंक भी आया है सामने। जी हाँ दोस्तों, दे दिया इतने करोड़ डॉलर की सहायता, बताएंगे ये भी बात। उससे आगे बताएंगे जहाँ पर 50 साल बाद एक बार फिर भारत में लौटेगा दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला ये जानवर। जी हाँ दोस्तों, कहाँ से आने वाला है ये जानवर, कितनों की संख्या में आएगा दोस्तों, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही बताएंगे जहाँ पर पुणे की सैनिटाइजर कंपनी में शॉर्ट सर्किट में अब तक मारे गए इतने लोग। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही मोदी जी ने इस पर क्या टिप्पणी की है दोस्तों, इसकी भी जानकारी देंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहाँ सरकारी नौकरी से भी बड़ी खबर आ रही दोस्तों, जहाँ पर सिर्फ 10वीं पास भी अब आवेदन कर पाएंगे। तो जानने के लिए बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना हमारा देश गर्व से जी रहा है इस कोरोना काल में, डॉक्टर ही भारत के लिए सबसे बड़े रक्षक है। इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत का ये रोमियो हेलीकॉप्टर उड़ाएगा दुश्मनों के होश। भारतीय नौसेना में जल्द शामिल होंगे कई खूबियों वाला ये हेलीकॉप्टर। बता दे 10 साल से ज्यादा समय के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार इंडियन नेवी को अब जल्द ही कई खूबियों से भरा रोमियो हेलीकॉप्टर मिलने वाला है। जानकारी के मुताबिक जुलाई के महीने में अमेरिका भारतीय नौसेना को MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर की पहली खेप सौंप देगा। दोस्तों भारत के जांबाज पायलटों का पहला बैच इन हेलीकॉप्टरों के संबंध में जरूरी ट्रेनिंग लेने के लिए US भी पहुंच चुका है। भारत और US ने MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की डील पर हस्ताक्षर कर दिए थे। दोस्तों ये डील साल 2020 में किया गया था। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक भारतीय पायलटों का एक बैच ट्रेनिंग के लिए US पहुंच चुका है। ऐसे में दोस्तों थैंक यू अमेरिका जरूर कह दीजिएगा, और रोमियो हेलीकॉप्टर का वेलकम है भारत में कहना बिल्कुल मत भूलेगा। एक और खबर की बात करें तो इसराइल से बड़ी खबर, जहां डोनाल्ड ट्रंप की राह पर बेंजामिन नेतन्याहू चले। जनता ने नकारा तो इलेक्शन फ्रॉड का लगा दिया है आरोप। बता दे इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप की राह पर चल निकले हैं। दोस्तों चुनाव में शिकस्त का सामना करने के बाद नेतन्याहू ने ट्रंप की तरह चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने चुनाव को इस सदी का सबसे बड़ा फ्रॉड बताते हुए साफ कर दिया है कि वो इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं है। और इतना ही नहीं, नेतन्याहू ने देश के सिक्योरिटी चीफ पर भी निशाना साधा है। जी हाँ दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू ने उनकी पार्टी लिक्विड को शिकस्त देने वाले गठबंधन पर निशाना साधते हुए रविवार को कहा है कि इसराइल की लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ है, इस चुनाव में ऐतिहासिक धांधली हुई है। नेतन्याहू का यह बयान ऐसे समय में आया है दोस्तों, जब उनके सहयोगी रहे नफ्ताली बेनेट ने 8 विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर गठबंधन कर दिया है और इसराइल का प्रधानमंत्री बनने के लिए दावा ठोक दिया है। दोस्तों ऐसे में
आपकी क्या राय होगी? कितने भाई बहन मानते हैं कि इस चुनाव में धांधली हुई है और बेंजामिन नेतन्याहू बिल्कुल सही कह रहे हैं, और कितनों को लगता है कि गलत कह रहे हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। कारण के साथ में चलते हैं तीसरी बड़ी खबर की तरफ, जहां पर शी जिनपिंग देंगे पैसा और इमरान खान देंगे जगह, छवि चमकाने के लिए चीन पाकिस्तान मिलकर बनाएगा अपना अपना मीडिया हाउस। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान और चीन सूचना के क्षेत्र में प्रभुत्व प्राप्त करने के उद्देश्य से एक टेलीविजन चैनल और मीडिया संगठन बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। दोनों देश मिलकर पश्चिमी समाचार मीडिया के विकल्प की पेशकश कर रहे हैं। घटनाक्रम से परिचित लोगों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर यह जानकारी दी है। लोगों ने कहा है कि दोनों देश कतर के अल जजीरा या रूस के RT नेटवर्क की तर्ज पर एक संगठन बनाने की संभावना तलाश रहे हैं। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय कद के पत्रकारों को साथ लाया जाएगा, जिन्हें चीन से फंड का समर्थन मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इस कदम के पीछे सोच यही है कि चाइना की आंतरिक गतिशीलता एक खुले मीडिया को रोकती है, लेकिन देश में वित्तीय ताकत है। पाकिस्तान का आंतरिक परिदृश्य ऐसे मीडिया संगठन के लिए अनुकूल है, लेकिन राज्य में वित्तीय संसाधनों की कमी है। लोगों ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियां द्वारा प्राप्त आंतरिक दस्तावेजों का हवाला देते हुए ये बड़ी बात कह दी दोस्तों। ऐसे में अब मीडिया को भी लेकर बड़ी धांधली होने वाली है दोस्तों। जिस प्रकार से ये धांधली से भरे दोनों देश यानी चाइना और पाकिस्तान मिलकर मीडिया हाउस खोलने वाले, अगर आप भी मानते हैं कि अब मीडिया भी चाइना पाकिस्तान का स्वतंत्र नहीं रहने वाला, तो कमेंट में हमें भी यही लगता है ये बात अवश्य लिखिएगा दोस्तों। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां ना हिंदी ना हिंदू ना हिंदुस्तान, बन के रहेगा खालिस्तान। जी हां दोस्तों, भारत विरोधी नारों के साथ जलाया गया है तिरंगा। बड़ी ही खेदजनक खबर आ रही है दोस्तों, बता दे खालिस्तान जिंदाबाद के नारों के बीच रविवार को लंदन के ट्राफलगर स्क्वायर में भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को जलाया गया। भारतीय उच्चायोग ने इस संबंध में बयान जारी करते हुए कहा है कि घटना से वो बेहद चिंतित है और व्यवस्थित और व्यथित है। उच्चायोग ने आश्वासन दिया है कि राष्ट्र ध्वज का अपमान करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। इसका वीडियो भी सामने आया है दोस्तों। इस वीडियो में आप देखेंगे कि काला स्कॉर्फ पहनकर खालिस्तान लोग भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आग लगा रहे हैं, साथ ही वे नारे लगा रहे हैं कि खालिस्तान जिंदाबाद। पीछे से आवाजें आ रही हैं कि वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। वीडियो में जमा हुई भीड़ को हिंदू विरोधी नारे लगाते भी सुना जा सकता है। ये कह रहे हैं कि ना हिंदी ना हिंदुस्तान ना हिंदू, बनकर रहेगा खालिस्तान। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन की पुलिस का इस संबंध में कहना है कि ध्वज में आग लगाना कोई अपराध नहीं है, और उन्हें भी पता नहीं था कि झंडे में आग लगाई गई है, इसलिए उन्होंने भारत विरोधी नारे देने वाले किसी शख्स को अरेस्ट नहीं किया है। लेकिन भारत सरकार के विरोध के बाद अब ब्रिटेन सरकार ने साफ कह दिया है कि ध्वज में आग लगाने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा दोस्तों। और कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से हम ये वीडियो आपको नहीं दिखा पाएंगे दोस्तों, लेकिन आप चित्र जरूर देख पा रहे होंगे किस प्रकार से आग लगाई जा रही है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले इस खबर पर कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। जिस प्रकार से भारत के झंडे में आग लगाई जा रही है, तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे पापियों को कैसी सजा मिलनी चाहिए बताइएगा जरूर। एक और खबर की बात करें तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान की बढ़ाई टेंशन, मगर इमरान ने संभाला मोर्चा। बता दे पाकिस्तान के लोगों के लिए सऊदी अरब जाना मुश्किल हो गया है। सऊदी में लाखों पाकिस्तानी काम करते हैं और अब हज का भी समय आ रहा है। दरअसल सऊदी अरब में वही लोग जा पा रहे हैं जिन्होंने फाइजर एस्ट्राजेनेका मॉडर्ना और जॉनसन की कोरोना वैक्सीन लगवाई है, लेकिन पाकिस्तान में उसके सदाबहार दोस्त चाइना की वैक्सीन सिनोफार्म और सिनोवैक लगाई जा रही है। जो चीन की वैक्सीन लगवा रहे हैं उन्हें सऊदी अपने यहाँ नहीं आने दे रहा है दोस्तों। तो इसी बीच ये खबर आ रही है जहाँ पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने कैबिनेट से कहा है कि वे इस मामले को लेकर मध्य पूर्व से पूर्व के संबंधित देशों के संपर्क में है। रशीद ने चीनी वैक्सीन की तारीफ भी की और कहा है कि वे इस मामले में चाइना की मदद के लिए उसे सलाम करते हैं। उससे में दोस्त, अगर आप भी मानते हैं कि ना चाइनीज चीजें बिकती हैं दोस्तों और ना चाइनीज वैक्सीन, तो अभी ये बात जरूर लिख दीजिएगा। एक और खबर की बात करें तो अमेरिका में उठी है भारत को मदद पहुंचाने की मांग। जो बाइडेन सरकार से सांसद बोले, हमारे मित्र को ज्यादा कोविड वैक्सीन की है जरूरत। जी हां दोस्तों, अमेरिका में अनेक सांसद और गवर्नर
कर रहे हैं। जो बाइडेन प्रशासन यानी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से भारत को कोविड रोधी वैक्सीन और चिकित्सीय सहायता की आपूर्ति सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। इनका कहना है कि भारत में संकट के कारण विनाशकारी हालात बने हुए हैं और इस वैश्विक महामारी से लड़ाई में अपने सहयोगियों की मदद करना अमेरिका की जिम्मेदारी है। भारत में रविवार को कोविड 19 के 1,14,460 नए मामले सामने आए, जो 60 दिन की अवधि में सबसे कम संख्या है दोस्त। ऐसे में अब अमेरिका का ये मदद भारत के लिए काफी ज्यादा लाभदायी होने वाला है दोस्तों। आप भी कमेंट सेक्शन में थैंक यू अमेरिका फॉर कोविड वैक्सीन जरूर कह दीजिएगा। एक और खबर की बात करें तो नेपाल से खबर, जहां ओली ने कहा भारत के साथ गलतफहमी दूर हो गई, कोरोना से निपटने में मोदी से और मदद की है गुहार। जी हां दोस्तों, नेपाल के संकट ग्रस्त प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा है कि भारत के साथ गलतफहमी दूर कर ली गई है। पड़ोसियों के प्यार और समस्याएं दोनों साझा करने का जिक्र करते हुए उन्होंने सुझाव दिया है कि दोनों देशों को भविष्य की तरफ देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए नेपाल को भारत से अपेक्षित मदद नहीं मिली है। ओली ने प्रधानमंत्री मोदी जी से और अधिक मदद करने की अपील की है। दोस्तों, बीबीसी की हिंदी सेवा को दिए एक हालिया साक्षात्कार में ओली ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि एक बार दोनों पड़ोसियों में गलतफहमी हो गई थी, हालांकि उन्होंने इस बारे में और विवरण नहीं दिया है। जी हां दोस्तों, ऐसे में आप साफ देख पा रहे होंगे कि पहले कभी भारत के खिलाफ आवाज उठाने वाले ओली, जो काला पानी, लिम्पिया, धूरा और लिपुलेख को लेकर पूरे विश्व में भारत के खिलाफ तमाशा खड़ा किया दोस्तों, लेकिन अब खुद कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भारत के साथ हमने गलतफहमी दूर कर ली है और दोनों देशों का भविष्य की तरफ देखते हुए एक साथ आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन पहले भविष्य की तरफ क्यों नहीं देखा ओली ने? आप भी कमेंट में इसका जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों। एक और खबर की बात करें तो विश्व बैंक ने बढ़ाया मदद का हाथ, $50 करोड़ की सहायता का कर दिया है ऐलान। बता दे, कोरोना वायरस महामारी के चलते देश के क्षेत्र को मजबूती देने के लिए विश्व बैंक ने भारत सरकार द्वारा की जा रही पहलों का समर्थन उपलब्ध कराने के लिए $50 करोड़ यानी करीब $500 मिलियन की मदद का बड़ा ऐलान कर दिया है दोस्तों। ऐसे में आप भी वर्ल्ड बैंक को थैंक यू जरूर कह दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां श्रीनगर के बाद अब त्राल में IED बरामद कर लिया गया है दोस्तों। घाटी को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई है दोस्तों। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने और लोगों में भय उत्पन्न करने के लिए आतंकी साजिशें रची जा रही हैं। इन्हीं साजिशों के तहत कश्मीर के त्राल में IED प्लांट की गई है दोस्तों, जिसे निष्क्रिय करने के लिए बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। इस दौरान थोड़ी देर के लिए इलाके में लोगों की आवाजाही रोकी गई थी। बता दें कि त्राल के सैमोह इलाके में आतंकियों ने IED प्लांट कर दिया था दोस्तों, जिसका समय रहते पता लग जाने से बड़ा हादसा टल गया। ऐसे में थैंक यू इंडियन गवर्नमेंट जरूर कह दीजिएगा। एक और खबर की बात करें तो पाकिस्तान में बड़ा रेल हादसा हो गया दोस्तों। सिंध में दो ट्रेनों की टक्कर में 30 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा जख्मी। बता दे, पड़ोसी देश पाकिस्तान में सोमवार तड़के एक भीषण रेल हादसा हो गया। सिंध प्रांत के ढारकी में दो ट्रेनों के बीच टक्कर हो गई दोस्तों, जिससे 30 से ज्यादा लोगों की जाने चली गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के घोटाकी जिले के ढारकी में सोमवार तड़के करीब 3:45 पर मिल्लत एक्सप्रेस और सर सैयद एक्सप्रेस की आपस में टक्कर हो गई। इससे मिल्लत एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। मिली सूचना के मुताबिक अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी है दोस्तों। और ऐसे में इमरान खान ने भी ट्वीट करके इन सभी घायल हुए लोगों को तुरंत इलाज और मरे हुए को मुआवजा का ऐलान कर दिया है दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या राय होगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और भारतीय रेलवे को भी थोड़ी सजेशन जरूर दीजिएगा दोस्तों कमेंट में। अगली खबर की बात करें तो ईरान में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बड़ी खबर, जहां जोर पकड़ रही है मतदान के बहिष्कार की मुहिम। जी हां दोस्तों, ईरान में 18 जून को राष्ट्रपति चुनाव के लिए होने वाले मतदान के बहिष्कार की मुहिम तेज होती जा रही है। तो वहीं सोशल मीडिया पर मैं किसी हाल में वोट नहीं डालूंगा जैसे हैशटैग लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा है कि ये चुनाव वैध नहीं है। अगली खबर की बात करें तो अमेरिका से एक और खबर, जहां फंस गया जो बाइडेन का बड़ा एजेंडा, चौड़ी हुई डेमोक्रेटिक पार्टी में हो गई फूट। बता दे, डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेटर जो मैनचिन के खुलकर अपनी पार्टी की तरफ से पेश
फॉर द पीपल एक्ट का समर्थन करने से इनकार कर देने से सत्ताधारी की फूट और चौड़ी हो गई है दोस्तों। फॉर द पीपल एक्ट का विधेयक अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पास हो चुका है। इसका मकसद रिपब्लिकन पार्टी के बहुमत वाले राज्यों में पिछले नवंबर के बाद से बनाए गए मतदान संबंधी कानूनों को बेअसर करना है। रिपब्लिकन पार्टी के कई राज्यों में ऐसे कानून बना चुकी है जिससे वहाँ अल्पसंख्यक और कमजोर तबके के मतदाताओं के लिए वोट डालना पहले की तुलना में मुश्किल हो जाएगा और ये तबके आमतौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थक समझे जाते हैं। अगली खबर की बात करें तो समंदर में दिखेगा मेड इन इंडिया का दम। 6 सबमरीन के लिए 50,000 करोड़ के डिफेंस प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है दोस्तों, ये भी बड़ी खबर है। अगली खबर की बात करें ऐसे में तो 50 साल बाद एक बार फिर भारत में लौटेगा दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर। बता दें अपनी रफ्तार और फुर्ती की वजह से अलग पहचान रखने वाले चीतों की करीब 50 साल बाद देश में वापसी होने वाली है। नवंबर महीने में इन्हें दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया जा रहा है। इनमें 5 नर एवं 5 मादा चीते शामिल हैं। इन चीतों को मध्य प्रदेश के चंबल नदी क्षेत्र में स्थित कुनो नेशनल पार्क में रखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप भी मोस्ट वेलकम कैट चीता जरूर कह दीजिएगा। अगली खबर की बात करें तो उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के विमान में आई तकनीकी खामी जिसके बाद टेक ऑफ करके लौटना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का विमान तकनीकी समस्या के चलते उड़ान भरने के 30 मिनट बाद मैरीलैंड में जॉइंट बेस एंड्रयूज लौट आया। गौरतलब है कि हैरिस बीते रविवार को ग्वाटेमाला और मेक्सिको की यात्रा के लिए रवाना हुई थी। अगली खबर की ओर चलें तो पुणे से बड़ी खबर, जहां सैनिटाइजर कंपनी में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग जिसमें अब तक 18 लोगों की मौत और कई हैं लापता। बता दें पुणे में एक वाटर प्योरीफाइंग केमिकल फैक्ट्री में लगी आग में मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। घटना की शुरुआत में मरने वालों की संख्या 7 बताई गई थी लेकिन अब तक इस घटना में मारे गए लोगों की संख्या 18 हो गई है दोस्तों। घटना पीरंगट इलाके के इंडस्ट्रियल जोन में हुई है, पीरंगट मुलसी तालुका में स्थित है। घटना स्थल पर 5 दमकल टीम मौजूद है। ऐसे में दोस्तों इन सभी जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि जरूर दीजिएगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में, और जो घायल हुए उनको जल्द ठीक होने की कामना अवश्य करिएगा। अगली खबर की बात करें तो इसी खबर पर केंद्र ने मारे गए लोगों के परिजनों को 2 लाख रुपए का मुआवजा देने का बड़ा ऐलान कर दिया है दोस्तों। और साथ ही पुणे की केमिल फैक्ट्री में आग लगने पर मरने वालों के परिजनों के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संवेदना जाहिर की है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो वैक्सीन पर अफवाहें फैलाने वाले भोले भाले देशवासियों के साथ छल कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ी बात कह दी है। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान जारी है। वैक्सीनेशन के बीच कई जगहों से खबरें आती रही हैं कि लोग वैक्सीन लगवाने से परहेज कर रहे हैं। कई इलाकों में वैक्सीनेशन को लेकर अफवाहें फैली हुई हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के नाम अपने संबोधन में भी इस बात की चर्चा की है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि जो लोग वैक्सीन को लेकर अफवाह फैला रहे हैं वो लोग देश के लोगों के साथ छल कपट कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही उन्होंने बड़ा ऐलान किया है कि नवंबर तक हर गरीबों को मुफ्त राशन मिलेगा, यानी दिवाली तक गरीबों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन भी मिलता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही 18 प्लस के वैक्सीनेशन के लिए राज्यों को केंद्र मुफ्त में वैक्सीन दिलाएगी, बड़ा ऐलान किया है मोदी जी ने दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं इस कोरोना काल में मोदी जी ने भी अपने भारत में इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश को संभाला है और कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाता, तो अभी कमेंट सेक्शन में थैंक यू मोदी जी जरूर कह दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां सीएम योगी ने दिए निर्देश, ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले कोरोना वॉरियर्स के आश्रितों को 3 दिन में सभी भुगतान। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वॉरियर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स के आश्रितों को 3 दिन में सभी अनुमन्य भुगतान किए जाएंगे। सोमवार को अफसरों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने यह निर्देश जारी किया है। योगी ने अफसरों को हिदायत दी है कि मृतक आश्रितों के अनुमन्य देय भुगतानों में लेट लतीफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो मुलायम के वैक्सीन लगवाने पर यूपी के डिप्टी सीएम का तंज, कहा माफी मांगे अखिलेश यादव, भ्रम फैलाया था। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने सोमवार को कोरोना वैक्सीन की डोज
लगवा लिए। गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में मुलायम सिंह यादव ने कोरोना की वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। समाजवादी पार्टी ने वैक्सीन लगवाते मुलायम सिंह यादव की तस्वीर ट्वीट कर दी है। तो वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मुलायम सिंह की वैक्सीन लगवाते तस्वीर ट्वीट करके पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर तंज कसा है। दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके स्वदेशी वैक्सीन लगवाने के लिए मुलायम सिंह यादव को धन्यवाद दिया है। उन्होंने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि आपका वैक्सीन लगवाना इस बात का प्रमाण है कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से वैक्सीन को लेकर अफवाह फैलाई गई थी। जी हां दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे केशव प्रसाद मौर्य जी का ट्वीट। अगर आप भी मानते हैं कि अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए तो माफी मांगो अखिलेश यादव, कमेंट में जरूर लिखेगा, वो भी भारी मात्रा में। एक और खबर की बात करें तो पश्चिम बंगाल में कहर बनकर टूटी आकाशीय बिजली, 3 जिलों में 20 लोगों की बड़ी मौत। जी हां दोस्तों, एक और खबर की ओर चलें तो नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी जी से कहा थैंक यू मोदी जी मुफ्त वैक्सीन और राशन के लिए, फैसले को बताया है सराहनीय। जी हां दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो इंडियन आर्मी वुमेन मिलिट्री पुलिस रिक्रूटमेंट 2021 से जुड़ी बड़ी खबर, जहां मिलिट्री पुलिस में निकली है भर्ती, 10वीं पास भी कर पाएंगे आवेदन। जी हां दोस्तों, इंडियन आर्मी ने हाल ही में महिलाओं के लिए 100 पदों पर यह भर्ती निकाली है। जी हां दोस्तों, आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक इस भर्ती के तहत सोल्जर जनरल ड्यूटी यानी महिला मिलिट्री पुलिस के पदों पर महिला उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। योग्य व इच्छुक उम्मीदवार 20 जुलाई 2021 तक इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। बाकी सारी जरूरी डिटेल्स हमने स्क्रीन पर दे दी, आप वीडियो को रोक करके देख पाएंगे दोस्तों। और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। धन्यवाद।